इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। राजकीय नलकूप के खराब पड़ा होने से सूख रही किसानों की फसलें, जिम्मेदार बने लापरवाह। मोहन लालगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामदासपुर के लालता खेड़ा में लगभग 15 दिन से तकनीकी खराबी से पड़े राजकीय नलकूप की वजह से किसानों की नष्ट हो रही फसलें। ग्राम प्रधान सहित किसानों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को पलीता लगाते जिम्मेदार अधिकारी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां मोहन लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रामदासपुर के लालता खेड़ा में लगा राजकीय नलकूप संख्या 57, जो कि पिछले लगभग 15 दिनों से बिगड़ा पड़ा है, लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सही कार्यवाही नहीं हो रही, इसे सही नहीं कराया जा रहा। प्रधान सहित ग्रामीणों ने बताया कि एई व जेई सहित जिम्मेदारों को सूचना दी गई, लेकिन अभी भी नलकूप सही नहीं हुआ, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। जबकि किसानों के लिए सबका साथ सबका विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले किए, वहीं नलकूपों की तकनीकी खराबी को हर हाल में 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक किया जाए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा लापरवाह लगातार मौन बने हैं और लापरवाही बरती जा रही है। भारत टीवी से चांद मोहम्मद। सरकारी नलकूप की है, आज 15 दिन से बिगड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें सूचना हमने कल भी दिया है तो जई ने टाल दिया कह करके कि देखो देख लेंगे, और सारी फसल यहाँ सूख रही है और सारे किसान परेशान हैं, कोई साधन यहाँ पर है नहीं सींचने के लिए। जबकि देखा जा रहा कि एक तरफ योगी सरकार जो है हिमायती किसानों की हिमायती कर रही है कि किसानों के लिए बहुत बहुत सारे जो है नहीं नहीं योगी सरकार तो दी जा रही है, वहीं पर देखा जा रहा है कि किसानों के लिए जैसे राज्य की नलकूपों पर व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं है, तो इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? योगी सरकार तो चाहे योगी को चाहे प्रधानमंत्री को, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो नहीं फॉलो कर रहे हैं और उनसे बात करो तो टाल देते हैं। अच्छा, इस समय जैसे कि फसलों को पानी की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, धान की फसल को, और ऐसे में देखा जा रहा है कि जैसे नलकूपों में व्यवस्थाएं जो है सही ढंग से नहीं है, तो ये किन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से? ये कर्मचारियों की लापरवाही है, सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। सरकार तो पैसा दे रही है, जबकि 24 घंटे लिखित शिकायत आपने क्या जेई को की थी? नहीं, हमने लिखित शिकायत नहीं की थी, लिखित शिकायत हमने नहीं किया था, लेकिन अब जब हम कल हमको मालूम हुआ। मौके पर कौन था यहाँ, कोई किसान थे यहाँ पर? किसान, ये सारे किसान ही तो हैं। अरे एक किसान ही तो हैं। अच्छा बताइए, ये नलकूप के पास आपकी जमीन है यहाँ पे कितनी दूरी पर है? ये साहब दूरी तो नहीं बता सकते। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर नलकूप बिगड़ने से क्या व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं, सूखी है, सूखी पड़ी हुई है फसलें। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार मदद करे और उसको बनवावा जाए, सिंचाई हुए, गरीब लोग भूखे न मरे। राजकीय नलकूप बिगड़ने से यहाँ पर किसानों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इन दिक्कतों को लेकर यहाँ पर जो है देखा जा रहा है जेई के जैसे अवगत कराया गया है कि यहाँ पर कि इसको सही कराया जाए, यहाँ पर पाइपें निकाल के डाल दी गई। लमसम कितने दिन से बिगड़ा पड़ा हुआ है ये? लगभग 2 हफ्ते बता दिए, 15 दिन हो गए। 15 दिन से ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं खेती करने के लिए। आपको क्या क्या समस्याएं होती पानी न मिलने से? आधा तो फसलें सूख गई, आधी तो फसलें सूख गई, अब क्या करें गरीब आदमी, कहो नमक तेल करे, कहो सिंचाई करे, बहुत बड़ी समस्या है।